नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल। किसान आंदोलन पर चुप्पी, कहा मोदी सरकार ने बेहतर निर्णय लिया। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे। साइटिक हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक वंटी साहू, दौलत सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने पर्यटन के लिहाज से विकास पर चर्चा की। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री ने बताया कि पर्यटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना देश नाम से कार्यक्रम बना रहे हैं, जिस पर सरकार एक साइट तैयार कर रही है जिसमें सभी तरह का ब्यौरा होगा। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सवाल पर कहा कि क्योंकि इस पर बात चल रही है और सरकार ने 9 तारीख का समय लिया है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यूनिवर्सल तरीके से देश के बारे में सोचना होगा। मैं किसान के लिए मैंने जिंदगी भर उन्हीं की लड़ाई लड़ी है, किसानों मजदूर देखा। मंडी के काम काज के तरीकों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि सरकार ने 9 तारीख की बात कही है। सरकार हमेशा से किसानों के हित पे है। मोदी सरकार ने जितने फैसले इस देश में लिए हैं इन 6 वर्षों में, इतने बेहतर सुधार के फैसले कभी किसी सरकार ने नहीं लिए, चाहे वो मजदूरों के मामले हों चाहे किसान के मामले हों। पहली बार संस्थागत रूप इन तमाम वर्गों को मिल रहा है, इसमें किसी को भ्रम है तो वो चाहे सरकार से बात करेंगे। सरकार ने पर 9 तारीख कहा है, इसलिए उसके पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो हमेशा से हिमायती रहा हूँ, माफिया किसी भी प्रकार का हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना ही सरकार का काम है। इसमें मैं तो कोई भी करेगा मैं उसको उसके साथ खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को करने दीजिए, जो काम वैज्ञानिकों का है उन्हीं को करने देना चाहिए, साइंटिस्टों को करना चाहिए। पता नहीं विवेक कैसे बोल गए, इतने सीनियर आदमी हैं तो उनको वकालत में बात कानून की बात करना चाहिए, मेडिकल के मामले में नहीं बोलना चाहिए। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।